Hey guys, this is Aman and yaar tumhare paas ek question hai and the question says that an electric fan run from 230 volt main, the current flowing through it is 0.4 ampere at what electrical energy transferred by the fan? So basically yaar aapke paas ek electric fan hai jo ki 230 volt main like supply se judi hui hai and isme jo current drawn kari hai kitni hai 0.4 ampere to pooch rahe rate of electrical energy bata do mujhe. To ek baat batao, pehle to mere ko ek baat batao jo aapki jo voltage hai मतलब वोल्टेज है वो कितनी दी हुई है, वो 230 दी हुई है ना, और जो आपकी करंट है वो कितनी दी हुई है 0.4 एम्पीयर. तो एक बात बताओ जो रेट पावर क्या होता है, पहले मुझे बताओ पावर, पावर की जो डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है ना, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो वर्क डन को आप एनर्जी भी लिख सकते हो, सो एनर्जी बाई टाइम भी हो सकता है. तो पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हम किसको बोलते हैं, पावर. यानी कि एक तरह से आप बोलो साइनोनिम्स है, दोनों का मतलब सेम ही होता है. तो इस क्वेश्चन में जो बोला है इन्होंने रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल दो, का मतलब इन्होंने सीधा सीधा मेरे को ये बोल दिया कि पावर निकाल दो. तो पावर तो हम लोग बहुत ईजी है, पावर का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इसे हम पावर भी बोलते हैं. तो पावर की फॉर्मूला क्या होता है, वी इंटू आई होती है. ठीक है, वी हमें पता है, आई पता है, वैल्यू डालो तो P इज इक्वल टू 230 इंटू 0.4, तो यू गॉट द वैल्यू 92 वॉट. ठीक है, काफी सिंपल था. बस इस बात का ध्यान रखो यार कि जो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है ना उसे हम पावर भी बोलते हैं. ठीक है, पावर को पावर तो बोल ही रहे हैं लेकिन पावर को रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं. ठीक है,